काफी टाइम से तुमको देख रहा था फेसबुक पे, अच्छा तुम्हारे साथ भी खेलूंगा, मजा आएगा, आई होप एंजॉय करेंगे हम। और बढ़िया गेंदबाजी, इस बार बिट्टू मैक्स से जो एक्सपेक्ट कर रहे थे वही किया आप। हेलो क्रिकेटर्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। गाइस, आज का मैच काफी जबरदस्त होने वाला है, भंडारो ग्रीडी झारखंड में, और आज बड़े बड़े नाम आपको दिखेंगे। दीपू भैया देख सकते हैं, हेलो भैया, हाय, कैसे हैं? बढ़िया। और आप कैसे हैं? हमारी टीम के कैप्टन। और दीपू भैया, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं लखनऊ, यूपी से लखनऊ से हूँ। आज मैच हम लोग खेलने जा रहे हैं, जो अंकुर भैया जो कैप्टन है हमारी टीम के, उनके साथ हम लोग खेलेंगे, और कामरान भाई भी हैं, हम लोग हैं, अच्छी टीम है, देखते हैं बाकी क्या होता है। जैसा कि बहुत सारे सब्सक्राइबर जो हमारे बिहार में हैं, तो दीपू गिल भाई का बहुत बड़ा फैन, तो आज दीपू भैया आपको दिखे हैं ब्लॉग में, और अभी अंकुर भैया को भी मैं लूंगा। तो फिलहाल आप रेडी हैं? यस सर। तो भैया रेडी हैं, मैं भी रेडी हूँ, तो निकलता हूँ ग्राउंड। तो मैं बाहर आ चुका हूँ, और यहाँ पे सभी प्लेयर लोग देख सकते हैं, सभी हैं, अंकुर भैया हैं और टीम के सभी प्लेयर हैं। तो अभी कार रेडी है, तो अभी निकलते हैं ग्राउंड। तो मैं आ चुका हूँ गाइस ग्राउंड, और अब मैं मिलाता हूँ आपको अंकुर भैया, जो कि इन्हें सभी जानते हैं, और यहाँ फाइनली कैसे हैं भैया? बस एकदम बढ़िया सब बिट्टू, बहुत अच्छा ग्राउंड का माहौल है, विकेट बहुत अच्छा लग रहा है, और सबसे बड़ी चीज़ है कि इसका जो यहाँ का आउटफील्ड है बहुत ही अच्छा दिख रहा है, बहुत कम ऐसे ग्राउंड पे देखने को मिलता है, और आज काफी टाइम से तुमको देख रहा था फेसबुक पे। अच्छा, आज तुम्हारे साथ भी खेलूंगा, मजा आएगा, आई होप एंजॉय करेंगे हम। ओके, थैंक यू भैया। तो गाइस, जैसा कि अंकुर भैया ने बताया कि आज ऐसे मैं मेरा फर्स्ट मैच है अंकुर भैया के साथ, साथ में खेलने का, और आप ग्राउंड देख सकते हैं गाइस, ये ग्राउंड है और काफी अच्छा सजाएगा, ग्राउंड काफी अच्छा सजाया गया। अभी फिलहाल टॉस हुआ नहीं है, तो करीबन आधा घंटे के बाद टॉस होगा। मैं आपको अभी टाइम दिखा देता हूँ कि अभी 9:15 हो रहा है, और टॉस क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। तो अभी भी टॉस हुआ नहीं गाइज, और हमारे सभी प्लेयर आ चुके हैं, और यहाँ स्पेशल दीपू भैया। क्या दीपू भैया, ग्राउंड कैसा लगा? ग्राउंड बहुत अच्छा है, विकेट भी बहुत अच्छा है, रन बनने के चांस है काफी, और आउटफील्ड आप देख ही रहे हैं, बहुत अच्छी है, ग्राउंडमैन लगे हुए हैं ग्राउंड को बनाने में, तैयारी हो रही पूरी तरीके से, इसके बाद टॉस होने वाला है। अंकुर भैया ने भी बताया कि ग्राउंड काफी अच्छा है और खेल के मजा आएगा। तो अभी देखते हैं, टॉस हुआ नहीं है, टॉस क्या होता है। तो ये रहा आज का विकेट, आप देख सकते हैं ये विकेट है, ये विकेट पहला विकेट ये रहा, और एक और विकेट है यहाँ पे दूसरा विकेट। तो मैच कुछ इस प्रकार से होता है ना कि आज तीन मैच होगा, तो सबसे पहला मैच हम लोग का इस विकेट पे होगा, उसके बाद सेकेंड वाला जो मैच होगा इस पे होगा, फिर एक मैच और रखा गया, तो फिर जो भी दोनों में से जो भी विकेट अच्छा बचेगा तो उस पर मैच होगा। टॉस के लिए अंकुर भैया आ चुके हैं ग्राउंड में, और अगेंस्ट टीम का भी प्लेयर आ चुका है ग्राउंड में, तो अभी टॉस होगा। तो मैं बता दूं कि टॉस हो चुका है, और अंकुर भैया बताएंगे टॉस क्या है। अंकुर भैया, वो लोग जीता है, फील्डिंग लिया। तो गाइस, टॉस हो चुका है और हम लोग का बैटिंग है, अगेंस्ट टीम ने टॉस जीता, और वो लोग पहले हम लोग को कहे हैं कि आप लोग पहले बैटिंग कीजिए, तो अभी चलेंगे अब बैटिंग करने। क्या करेक्शन खेला है, तेज निकलता हुआ एक चुप्पी छक्के के साथ इसने पिछला खाता खुला, स्कोर 6 रन। एक बार फिर से गेंद को पड़ा और छक्का हो बन सके 6 रन। ओहो, देखते क्या करते हैं अगली गेंद पे, बिल्कुल और बिल्कुल स्लो डिलीवरी थी, बंचाया इस पर सरप्राइज किया था कि आप आइए ड्राइव कीजिए, और बल्ले का ग्रेट हिस्सा लगते हुए विकेट कीपर बुटस्सर के ग्लव्स में गई, और आ चुके हैं ग्रेट प्लेयर इन टेनिस बॉल।
देखते क्या करते हैं। और इस बार आते ही सिंगल, सिंगल के साथ खाता खोला और नो बॉल का इशारा आता हुआ। ये पिंटू मैक्सी नहीं, ये ऑस्ट्रेलिया के मैक्सवेल के जैसा बल्लेबाजी करते हैं, टेनिस बॉल में महारत हासिल कर चुके हैं। विवेक सिन्हा आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए और इनको देखते ही मुझे सनत जयसूर्या का याद आ गया, श्रीलंका के। और ओहो क्या गेंदबाजी कर रहे हैं, बिल्कुल टर्मिनेटर कह सकते हैं विवेक सिन्हा को। बिल्कुल गेंद को घुमा रहे हैं, स्पिन कर रहे हैं और बढ़िया गेंदबाजी। इस बार बिट्टू मैक्सी से जो एक्सपेक्ट कर रहे थे वही किया यहां पे। इकहत्तर रन बिट्टू मैक्सी के बल्ले से निकलता हुआ ये पहला छक्का, बिहार से बिलोंग करते हैं और आज फिर से वही शॉट दोहराने का प्रयास, लेकिन चतुर चालाक विवेक सिन्हा गेंदबाज छक्का खाने के बाद थोड़ा सा भी रुक नहीं दिया, स्लो डिलीवरी देखने के लिए मिला, इसलिए बाल बाल बचे, गति का इस्तेमाल करना जानते हैं बिट्टू। इस बार उठाकर खेल दिया फील्डर उसके नीचे मौजूद, कोई गलती नहीं, बिट्टू मैक्सी को पारी का हुआ, जा रहे हैं पवेलियन डगआउट। बैटिंग खत्म हो चुका है गाइस हम लोग का, और मैं बता दूं कि टोटल स्कोर 132 हुआ है और 133 में जीत है। और आज मैंने एक रिवर्स शॉट लगाया छक्का, उसके बाद तो मतलब फिर से मैं गया राइटी मतलब मारने के लिए, लेकिन बॉल थोड़ा स्लो था तो बॉल खिल गया तो मैं आउट हो गया। लेकिन हाँ 132 रन है, तो देखते हैं कि हम लोग में तो ऐसे अच्छे अच्छे गेंदबाज हैं, अंकुर भैया लोग हैं, तो इंटरनेशनल प्लेयर है सभी, तो कोशिश रहेगा कि 132 हम लोग बचा लें। 24 गेंदे 71 रन, ये देखिए बिल्कुल ब्लॉक होल डिलीवरी कह सकते हैं और खोद कर निकाला गले के क्षेत्र में, धकेल कर सिंगल भागे, सिंगल के साथ स्कोर 63 रन। तो बहुत ही बढ़िया खेल चलता हुआ, इस बार डाउन द ग्राउंड खेलने का प्रयास, यहां पे मिस्टर स्टैंडिंग थोड़ा सा आगे बढ़ गए थे जो कि जरूरत से ज्यादा हो गया, अगर थोड़ा कम बैकअप करते तो निश्चित तौर पे वहां पे मौका बनाया जा सकता था। कामरान से इस बार मिस स्टैंडिंग हुए, एक मौका था वहां पे, चांस था कैच करने का वहां मुदस्सर के विरुद्ध, लेकिन गंवा दिया, चौका मिला, चौके के साथ स्कोर 67 रन। फिर से इस बार खेला है, फील्डर वहां पे भाग रहे हैं और बिट्टू मैक्सी थे वहां पे, तो इस तरह से सिंगल मिल गया, सिंगल के साथ स्कोर 68। फाइनली गाइस हम लोग ये मैच जीत गए, काफी अच्छी गेंदबाजी रही हम लोग की टीम की और करीबन हम लोग 20 रन से ये मैच जीते हैं, अगेंस्ट टीम ने भी 110 रन बना दिया, तो अच्छी बल्लेबाजी रही थी। लेकिन हाँ उससे भी अच्छी बॉलिंग, अंकुर भैया सबसे पहला ओवर लेके आए और मात्र 8 रन दिए थे फर्स्ट ओवर में, और उसके बाद कमरान खान जी, हाँ एक बड़ा नाम आईपीएल में जो कि खेल चुके हैं, और उन्होंने काफी अच्छी गेंदबाजी की और करीबन एक भी छक्का मेरे ख्याल से, हाँ दो छक्के वो खाए थे, लेकिन हाँ गेंदबाजी अच्छी थी और हम लोग ने वापसी की और ये मैच हम लोग जीत गए। तो फर्स्ट मैच तो हम लोग जीत गए गाइज, और अब सेकेंड मैच काफी 3 घंटे के बाद होगा, तो अभी चलते हैं होटल पे कुछ खाना खाने। तो खाना हो चुका है ख़त्म और अब चलते हैं थोड़ा रेस्ट करने के लिए, क्योंकि मैच जो है ना अभी भी टाइम है 2 घंटा, तो अभी मस्त 2 घंटा रेस्ट करते हैं और फिर चलेंगे मैच खेलने। फाइनली गाइस मैच जीतने के बाद हम लोग आ चुके हैं रूम पे और हमारे साथ बैठे हुए इंटरनेशनल टेनिस बॉल क्रिकेट के एक बड़े नाम अंकुर भैया। तो भैया कैसा रहा मैच? बहुत अच्छा मैच हुआ, हमारा फर्स्ट मैच तुमने लाइव देखा ही होगा, बहुत ही शानदार मैच हुआ। और सेकंड मैच ओके टीम थी, हम लोगों ने उनको 40 रन पे ऑल आउट किया और बिट्टू ने अच्छी बैटिंग करी नीचे जाकर, तो मैच मतलब वन साइडेड ही हुआ,
बहुत एंजॉय किया हम लोगों ने।